तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro Android मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का फेस लॉक अगर वर्क नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में फेस लॉक जो है वो वर्क नहीं कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का ये जो फाइल का ऐप होता है इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको ये क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके है ना मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा होता है उसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, एक काम ये भी करना है कि आपने जो भी फेस लॉक पहले वाला लगा रखा है उस पहले वाले फेस लॉक को डिलीट करके एक नया फेस लॉक सेट कर लेना है। इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको इस सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, रीसेट, ठीक है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो डेटा है ना उसका आपको बैकअप ले लेना है अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।